आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, यानी कि फेसबुक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर से यहाँ पर फेसबुक इंस्टॉल करने पर अगर आपको पेंडिंग प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई और एरर आता है इंस्टॉल करने में, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको मिलेगा यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करिए। यहाँ पर उसके बाद एक ऑप्शन आएगा फोर्स स्टॉप, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूसेज, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन क्लियर डेटा, इस पर क्लिक करके ओके बटन पर प्रेस करिए। ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद डेटा यूसेज डिटेल्स पर क्लिक करके अगर आपका डिसेबल ऑप्शन यहाँ पर इनेबल है, यानी कि मोबाइल डेटा और वाईफाई की परमिशन डिसेबल है, तो यहाँ पर आपको इन्हें बंद रखना है कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर उसके बाद आप बैक आ सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो प्ले स्टोर पर क्लिक करके रखिए। ऐप इन्फो का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करिए और सेम पेज आपके सामने आ जाएगा। ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं फेसबुक को इंस्टॉल करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर अब हमारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम आप ठीक करके फेसबुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।